ये कुछ ऐसा बन के आएगा अपना। ये हो गए अपने चार आइटम रेडी और ये हो गया दही। दोस्तों अल्टीमेट लेवल मैकिंग है यहाँ की, अल्टीमेट देखो कितना हमने। दोस्तों कल हमने यहीं पे नाश्ता करा था, यहाँ का ना फेमस और बढ़िया टेस्ट में इतना ज़बरदस्त था, बाकी और जगह मैं ट्राई करके आया था मज़ा नहीं आया, फिर वापस यहीं पे आना पड़ा मेरे को। यहाँ पे ना 7 पीस वाला आलू पराठा था और इतना ज़बरदस्त था ना वो भैया, अभी आपको बनते हुए बताते हैं आपको क्या प्रिपरेशन है, गजब तरीके से बनाते हैं भैया। ये देखो 7 आइटम में ये देखो ऐसे प्रिपेयर करके देंगे भैया, अभी बनाते हैं यहाँ पे पूरा आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं, ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे। पहले भैया चटनी बना रहे हैं, 7 आइटम में सबसे पहले चटनी बना रहे हो, यहाँ पे तीन तरह की चटनी देंगे भैया और तीनों का अलग अलग देखो अलग अलग टेस्ट है। ये देखो देखना अभी गजब तरीके से बनाते हैं, मेरे को है ना कल मैंने खाया था तो भैया को बोला था कि कल और आएंगे आपके पास में। ये देखो ये एक चटनी, फिर उसके बाद ये है लहसुन चटनी है ना, ये लहसुन की चटनी एक, और ये है आलू मिक्स, क्या बोलते हैं तो गार्लिक सलाद है ना, ये बना रहे हैं भैया गार्लिक सलाद, ये बन गया देखिए बड़ा फास्ट काम है। ये है टमाटर चटनी, देख लो भैया का हाथ चलता है एकदम तलवार की तरह। ये बन गई टमाटर की चटनी और एक आइटम और है ना, हाँ और एक हो गया अपना ये कढ़ाई मिर्ची, देख लो ये हो गए अपने चार आइटम रेडी और ये हो गया दही, 5 आइटम ये हो गए और पराठा अपना रेडी है, सिर्फ इसको सेकना भैया को देखना है इसको कैसे सेकते हैं, इतना अच्छे तरीके से सेकते हैं ना, मैंने कल देखा था इन्होंने कम से कम 15 से 20 राउंड लगा दिए होंगे इसको, अच्छे से पकाया अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं है, हाथ बड़े फास्ट चलते हैं पर जल्दबाजी नहीं है। पकौड़ा देखो ये देखो पराठा देखो, ओह माय गॉड, ये कुछ ऐसा बन के आएगा अपने साथ। दोस्तों अल्टीमेट लेवल मैकिंग है यहाँ की, अल्टीमेट देखो कितना। हमने इतनी दुकानों से नाश्ता ट्राई किया पर यहाँ का नाश्ता हमें सबसे बेस्ट, ये अपना पराठा रेडी हो चुका है, पराठा एकदम क्या स्टफिंग है इसकी देख लो, जबरदस्त जबरदस्त, और यहाँ की चटनियाँ स्पेशल है पूरा रोज तरीके से बताऊंगा आपको देखना, और टेस्ट तो सच में है और बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़बरदस्त। अमूल बटर, अमूल बटर भी डालते हैं साथ में। उमसा पराठा जल्दी आ गया, बहुत ही जल्दी, और दिखने में कितना अल्टीमेट लग रहा है, क्या खा के बताओ जल्दी, वेट नहीं हो रहा, तो सारा आने दे एक बार तसली, रुको फिर हाथ मत लगाओ उसको। ये आ गई अपनी चटनियाँ, ये गार्लिक सलाद और ये लहसुन चटनी, ये देख लो लहसुन चटनी टमाटर चटनी हाँ और ये प्याज और जबरदस्त। तो देखो कितना मस्त तरीके से भैया ने सजा के दिया है, अब इसको खाना टेस्ट करते हैं, हालांकि हमने तो करके रखा है फिर भी आपके लिए एक बार और करते हैं। आज जल रहे हैं बहुत गर्म है, अमूल बटर सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी चटनी के साथ, सच में क्वालिटी है, सच में दुकान का नाम है अम्बी का नाश्ता, होटल इसका सामने है माउंट आबू गैंग, यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन है एक बार जरूर आके खाना, जरूर आके टेस्ट करना। प्राइस बताऊँ 120 रुपये, और 120 रुपये में वर्थ है क्योंकि हमने 100 रुपये में गए था, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो ये है, इसको जल्दी से फटाफट चलिए ख़त्म करते हैं। भाई साहब एक मज़े की बात बताऊँ, हाँ अपन ने आलू पराठा खाया था, एक आलू पराठा और मंगवाया था, तो दोनों के हुए 240 रुपये, भैया को बोले कितने देने, भैया ने कहा 200 रुपये दे दो, हमने कहा नहीं यार 200 रुपये नहीं देंगे, 240 ही देंगे पूरे, यार उन्होंने इतनी मेहनत करके इतना टेस्ट ही यार चीज़ को अपने को खिलाई थी, अपन क्यों यार किसी की 40 रुपये छोड़े, अपने व्यूज़ के चक्कर, वीडियो अपन ने बनाया था व्यूज़ अपने आएंगे तो उनका क्या मतलब, उनका क्या रोल था, तो पूरे पैसे दिए, पर ये भैया का नेत्र अच्छा था, उन्होंने वैसे ही कह दिया कि 200 दे दो यार, नहीं 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 200, वैसे भी घूमने जाता हूँ ना बाहर तो आपका आदमियों की परख अच्छी तरीके से हो जाती है, दुकानदारों की आदमियों की उस जगह की, तो बहुत फ़र्क पड़ता है सच में। तो बढ़िया अपन ने पूरे पैसे दिए और पूरा हजम करके खाया, अब अपन चल रहे हैं एक यहाँ पर नेपाली मार्केट है, उधर से कुछ
लेने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ पसंद आता है तो आपको भी दिखाते हैं नेपाली मार्केट माउंट आबू का।